फिल्म जगत में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही प्रसिद्ध एक और जोड़ी रही है। हालांकि मराठी फिल्मों में लीडिंग किरदार निभाने वाली इस जोड़ी ने हिंदी फिल्मों में भी अच्छी खासी पहचान बनाई, पर यहाँ जोड़ी की बात नहीं हो रही। अक्सर देखा जाता है कि एक एक्टर सीमित कार्यकाल के लिए जाना गया, पर रूढ़िवादी बातों से दूर रहकर हमारे फिल्म जगत में एक कलाकार ऐसा आया जिन्होंने चाइल्ड एक्टर, एक्स्ट्रा, साइड रोल, हीरो, खलनायक, इन सभी किरदारों का फासला पार किया। इन्होंने ये भी साबित किया था कि आपको हीरो बनने के लिए अच्छी बॉडी नहीं बल्कि सिर्फ टैलेंट चाहिए होता है। अपने जबरदस्त अभिनय के बल पर ये खलनायकी के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज की कहानी प्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव साहब पर है। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जिस इंसान को आप रमेश देव इस नाम से जानते हैं, असल में उनका सरनेम देव नहीं बल्कि ठाकुर था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपकी तारीफ। ये शीला दीदी का मकान है ना? जी हाँ, फरमाइए। ऐसे उनके पास और कितने मकान हैं? पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन। क्यों जी, शीला दीदी के पास बैंक में कितना पैसा होगा? 15-20 लाख रुपया। आप जो ये हिसाब किताब पूछ रहे हैं, पहले आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन। अरे ये पूछने का मुझे पूरा हक है साहब। मैं शीला देवी को अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते होंगे। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त? जी हाँ, इस वक्त मैं आ रहा हूँ इनकम टैक्स ऑफिस। आपका बैग पहुंचा दिया। वंडरफुल। तुम मेरे काम के लड़के हो सब। हाँ, लेकिन जब भी कभी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? तुम इतने सुंदर हो, भोले हो, खूबसूरत हो, और वो गंदी बस्ती जहाँ तुम रहती हो तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। I can't bear it। रमेश देव साहब का जन्म 30 जनवरी 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में हुआ। उनके पिताजी राजश्री शाहू महाराज के प्रांत में नामी वकील हुआ करते थे। वही उनके दादा और परदादा राजस्थान के जोधपुर प्रांत में बड़े इंजीनियर थे। आज जोधपुर पैलेस भारत का शान कहलाता है। इस पैलेस को बनाने वाले इंजीनियर्स में रमेश देव के दादा भी शामिल थे। 19वां शतक लगने के बाद कोल्हापुर के महाराज ने रमेश देवक दादा को अपने यहाँ बुला लिया। कोल्हापुर में आकर रमेश देव के दादा चीफ इंजीनियर बने और उनका बेटा वकील कहलाया। रमेश देव के पिताजी होनहार वकील थे। उनकी वकीली देख राजश्री शाहू महाराज ने उनसे कहा, आप हमारे लिए देव हो। मराठी में भगवान को देव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर परिवार आगे चलकर देव परिवार कहलाया। इसी परिवार में जब रमेश देव का जन्म हुआ तब राजश्री शाहू महाराज ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी थी। मराठी भाषा और महाराष्ट्रियन पद्धति में घुल मिलकर ये ठाकुर परिवार धीरे धीरे मराठी हो गया। रमेश देव की कीर्ति इस पैमाने में फैली है कि आज मराठी फिल्म जगत और रमेश देव का नाम एक साथ लिया जाता है। रमेश देव साहब ने बाल उम्र में फिल्मों में प्रवेश किया था, पर बाद में उन्होंने अपने पढ़ाई पर फोकस किया क्योंकि उनका परिवार उन्हें सेना में भेजना चाहता था। पूरी कहानी इस प्रकार है। एक दिन पिताजी छोटे रमेश देव को लेकर शूटिंग देखने गए। कहा जाता है कि रमेश देव के पिताजी फिल्मों के शौकीन थे। उस वक्त राज कपूर एक सीन फिल्मा रहे थे। इत्तफाक से एक जूनियर कलाकार सेट पर नहीं आया। फिर राज कपूर की नज़र रमेश देव पर पड़ी और इस तरह पिताजी के परमिशन से उन्होंने पहली बार फिल्म में काम किया। उस फिल्म का नाम कोई नहीं जानता, पर उस वक्त छोटे रमेश देव को पृथ्वीराज कपूर के साथ सीन को खत्म करना था क्योंकि रमेश देव का परिवार पढ़ाई लिखाई के मामले में ज़्यादा कठोर था। इसीलिए रमेश देव को पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ा। आज़ादी के बाद राजतंत्र खत्म हुआ और रमेश देव के पिताजी जज बन गए। परिवार के सब लोग चाहते थे कि रमेश देव सेना में भर्ती होकर देश का नाम रोशन करे, पर उनके नसीब में कुछ और लिखा था। बचपन में एक फिल्म करने के बाद जब वो कॉलेज गए
तब उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि वो फिल्म जगत से जुड़े हैं और बहुत से फिल्मकारों के साथ उनकी पहचान है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। पर एक दिन ये झूठ उनके जान पर आ गया। उनका कॉलेज कोल्हापुर में ही था और कॉलेज के निकट एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। दोस्तों ने रमेश देव से कहा कि हमें फिल्म के दिग्दर्शक से मिलवाओ। तो इस प्रकार रमेश देव संकट में आ गए। सारे दोस्त मिलकर शूटिंग देखने लगे। रमेश देव घबराते हुए दिग्दर्शक के पास गए और उनसे अपने दोस्तों से मिलने की विनती करने लगे। वो साल था 1950 का और वो डायरेक्टर थे मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्मकार दिनकर पाटिल। दिनकर पाटिल ने ना सिर्फ उनकी बात मानी बल्कि उन्हें अपने फिल्म में एक रोल भी दे दिया। तो इस तरह रमेश देव ने अपनी पहली फिल्म राम राम पाहुणे की, जो मराठी फिल्म जगत की सुपरहिट फिल्म कहलाई। इसके बाद उन्हें भरपूर ऑफर्स आने लगे और रमेश देव बन गए मराठी फिल्मों के सुपरस्टार। अंधड़ा मागतो डोळा, पैशाचा पाऊस, उमस पडले तर, सात जन्माची सोपती, देवघर, इन फिल्मों में वो बतौर हीरो और विलन नजर आए। उस जमाने में उनकी खूबसूरती के हजारों लड़कियां दीवानी थी। मराठी फिल्म जगत में उन्हें ऊंचाइयों के बिंदु पर रख दिया, पर हिंदी फिल्म जगत में वो बतौर मुख्य किरदार चल नहीं सके। पर ये उनकी कहानी का अंत नहीं था। बतौर साइड एक्टर और विलन उनकी ख्याति जबरदस्त फैलने लगी। सन 1961 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आरती रिलीज हुई। ये उस साल की सुपरहिट फिल्म कहलाई। अपने हिंदी फिल्म करियर में उन्हें अमिताभ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। उस दौर में राजेश खन्ना को लोग सुपरस्टार कहते थे। रमेश देव को उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला था। सन 1971 की वो सुपरहिट फिल्म थी आनंद, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। राजेश खन्ना साहब के साथ डायलॉग बोलने में रमेश देव डर रहे थे। तुरंत ही राजेश खन्ना ने रमेश देव को अपने गले से लगाया और उनसे कहा कि मैं आपके मराठी फिल्मों का फैन हूँ। उस दिन के बाद राजेश खन्ना और रमेश देव की गहरी दोस्ती जम गई। फिल्म तो सुपरहिट रही, अमिताभ बच्चन के एक्टिंग को प्रशंसा मिली, पर रमेश देव और उनकी बीवी सीमा देव की जोड़ी को भी खूब प्यार मिला। इसके बाद रियल लाइफ पति पत्नी की इस जोड़ी ने सैकड़ों फिल्में एक साथ की। मराठी हिंदी फिल्मों को मिलाकर 250 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले रमेश देव साहब आज 95 साल के हो चुके हैं और यकीन मानिए आज भी वो उसी जोश के साथ फिल्में करते हैं। उन्हें अजिंक्य देव और अभिनय देव नाम के दो सुपुत्र भी हैं। आज के जमाने में अभिनय देव हिंदी फिल्म जगत के जाने माने डायरेक्टर हैं। रमेश देव को देखकर मालूम होता है कि जिंदगी में मौका सबको मिलता है और मिली हुई कामयाबी को बरकरार रखने का चयन सिर्फ आदमी करता है, पर जिनका हौसला बुलंद हो वो ही रमेश देव कहलाता है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।